पूछते हैं कि वे क्या चाहते हैं, क्या उनकी मांग है और क्या संदेश देना चाहते हैं। सूबेदार वीर सिंह चौहान जी, कृपया अपना संदेश भारत सरकार तक आप जो पहुंचाना चाहते हैं बोलिए। सबसे पहले मैं अपने प्यारे वतनवासियों को जय हिंद जय भारत करता हूं। आज जिस प्रकार से पिछले 15-16 दिन से हमारे देश के अन्नदाता हमारे किसान आज पूरी दिल्ली के चारों तरफ ऐसी इसी ठंड के अंदर वहां पर पड़े हुए हैं, कुछ जिस देश के अंदर काले कानून लाए गए हों, किसानों के हित में जो कानून लाए गए हों उसी को लेकर के आज पूरे देश के सैनिकों ने यहां पर एक जो है सभा करी है लखनऊ के अंदर जयप्रकाश मिश्रा साहब के नेतृत्व में। मैं धन्यवाद करता हूं साहब को कि आपने इतना इनिशिएटिव लेकर के यहां जितने भी उत्तर प्रदेश के सैनिक हैं, और आपका मैसेज नॉट ओनली उत्तर प्रदेश, आप पूरे देश में जो है आपका मैसेज गया है। हम भी किसी पत्र अपने न्यूज पेपर के माध्यम से आपका मैसेज पढ़ा और हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने इतनी इनिशिएट लेकर के पूरे देश के सैनिकों को लामबंद कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मेरे देश के सैनिक हैं, आओ, हम सब किसान के बेटे हैं, हम किसी धन्ना सेठ या फैक्ट्री मालिक या किसी गद्दार नेता के बेटे नहीं है, हम तो सैनिक के बेटे हैं, हम किसान के बेटे हैं, हम किसान के घर से अच्छे अच्छे संस्कार लेकर के देश की सीमाओं की हिफाजत करने जाते हैं और देश की रक्षा करते हैं, अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। हम लोगों को भी अपने पिताओं के साथ, किसानों के साथ और अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इन काले कानूनों को वापस लेने के लिए पूरी ताकत के साथ दिल्ली कूच करना होगा। और जो गुंगी बहरी सरकारें हैं, जो अहंकार के अंदर आ चुकी हैं, मैं कहना चाहूंगा मोदी साहब, आप वहां पर कोई तलवार की लड़ाई जीत करके नहीं आए, कोई युद्ध जीत करके नहीं आए, आप इन्हीं किसानों ने आपको उस मुकाम पर बिठाया है, उस गद्दी पर बिठाया है। यदि आज आप इन किसानों की अनदेखी करेंगे, आने वाला वक्त आपको बताएगा, आपको वापस जो है रसातल में दफनाएंगे, यही किसान दफनाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, या तो आप सुधर जाइए, हम आपको अभी भी मौका दे रहे हैं, और या फिर जो है इन किसानों के जो अहित के जो कानून है उनको बैक ले लीजिए, यही आपके हित में। सभी को जय हिंद जय भारत।